Hello everyone, this is me, Uzair Hassan, and you're watching me live on my Instagram handle, which is iuzairhassan. And this, in this particular transmission, the most unapologetic Instagram feed, I welcome you all. And in this particular Instagram feed, we are going to invite this amazing and phenomenal guest who is joining us all the way from Islamabad. Let's have him. I guess he is over here. And definitely, agar aap log ne abhi join kiya hai, to aapko idea ho gaya hoga that who is joining us. You have seen him performing and doing amazing roles, spectacular roles in these Bollywood movies as well. Uske alawa singer bahut acche hain. Personally, I've been a live witness of seeing him, and particularly jab main unke gaane sun raha hota hu, so I enjoy listening him as well. And definitely, if there's another career that he could make apart from acting, to wo singing hoga for sure. And Imran is joining us. We are definitely going to take your questions as well. Yeah. Hello, Imran. How are you? Bilkul theek thaak, Uzair. I'm good. How are you? Imran, thank you so much for joining us. And life kitni different hai quarantine se pehle aur abhi, because we know that you are an introvert kind of person aur aapko apni privacy aur isme bahut maza aata hai. So tell us about this. Yaar, mujhe to waqai honestly, main batau aapko, to main जब काम से वापस आता हूँ तो मेरी जिंदगी ऐसे ही होती है जैसी अभी है. सो उतना ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा है. व्हेनेवर आई कम बैक फ्रॉम माय शूट, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, विद माय पेट्स, विद माय प्लांट्स, एंड आई हार्डली गो आउट एंड आई हार्डली एंजॉय बीइंग ऑन लाइक इन पार्टीज और ऐसी जगहों पे. मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाता हूँ. इसके साथ आई लव बीइंग बाय माय सेल्फ एंड आई थिंक दिस इज द टाइम व्हिच आई ऑलवेज एंजॉय, एंड दिस इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई यूजुअली डू. इमरान, इसके साथ एक कनेक्टिव क्वेश्चन ये भी है, दैट व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रीजन के आप जो है ये पार्टीज में नजर नहीं आते, या यू आर नॉट पार्ट ऑफ ऑल दीज एक्सट्रावेगेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग, जिसकी वजह से लोग डेफिनेटली मीडिया ज्वाइन करते हैं. यू हैव इनफ ऑफ इट, या आपको लगता है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया, अब जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि इसके दो वजह होती है, या तो आपको वाकई ऐसी जगहों पे आप एंजॉय करते हैं, या फिर आपको अपने आप को दिखाए जाने की या अपने आप को पहचानवाने की. मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ सिनेमा पे जाने से, इसलिए कि मुझे अब लगता नहीं है कि मुझे इससे कोई फायदा पहुंचेगा. जब मैं नया आया था उस वक्त मुझे इस चीज का मेरे को दिलचस्पी नहीं थी. मुझे लगता है कि इतनी आपके पास जो वक्त की जो जिंदगी में आपके पास कैलकुलेटेड टाइम है ना, उसको आपने बहुत प्रोडक्टिव और बहुत ही सोच के गुजारना होता है. ये चीजें इवेंचुअली आपको फायदा देती नहीं है. अगर आपको दिल जाए तो चले, आप एंजॉय करें, अगर आपको दिल की खुशी मिली नहीं रही है तो फिर आप क्या फायदा. सुबह वापस आए और आपको पता भी ना हो रात को आप किससे मिले, फिर आपको अक्सर ये होता है ऐसे. इमरान, आपने एक जब बॉलीवुड मूवी किसी को मिलती है, सो वी हैव सीन द टाइप ऑफ टैंट्रम्स, वी हैव सीन द टाइप ऑफ एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड शिफ्ट एक पर्टिकुलर लोग में देखने को मिलता है. आपने पर्टिकुलरली दो से तीन बॉलीवुड मूवीज की, तो क्या किया था उसके बाद? लोगों की कॉल उठानी बंद कर दी थी, या व्हाट्सएप का कॉल आती थी उसको काट देते थे? व्हाट वाज दैट चेंज जो आपने अपने अंदर ऑब्जर्व किया था? यार, मैं जनरली सिर्फ उन्हीं लोगों की कॉल उठाता हूँ जो कि जो मेरे दोस्त होते हैं, और या मुझे पता होता है कि मेरी कॉल आया, माय मैनेजर आती है, तो मुझे काम की कॉल्स नॉर्मली वो ही देख लेता है. और मुझे पहले भी और अभी भी मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं उनकी कॉल कभी मिस नहीं करता. और मैं अगर कभी मैं सो जाए तो उनको कॉल बैक करके, और मैं कभी अपने पुराने रिश्तेदारों को, पुराने दोस्तों को ये एहसास नहीं दिलाता कि मैं टीवी पे आने वाला, कभी चार पांच लोग मुझे पहचानते हैं. मैं अभी भी वैसे ही, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपना जो है ना पुराने वाले रिश्तों को संभाल के रखना. और मैं अब भी ऐसे ही हूँ कि मैं ढूंढता हूँ कि फलाना बंदा जो मेरे बचपन में नुक्कड़ पे रहता था वो कहाँ रहता है, उसको मैं ढूंढ के निकालूंगा. अपने पुराने टीचर्स से, अपने पुराने दुकानदारों से, सबसे मुझे अपना रब्ता बहाल रखना बड़ा अच्छा लगता है. बड़ा नॉस्टैल्जिया रहने वाला इंसान हूँ, सो आई लव दिस कनेक्शन. और नए नॉर्मली मेरे दोस्त बनते ही नहीं है, और बनते हैं तो बड़ी जल्दी खत्म क्यों हो जाते हैं. या आपके जो दोस्त हैं बहुत बहुत पुराने भी हैं इनफैक्ट, एंड आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम मैसेजेस फ्लडेड होते हैं the people who just want to have a glimpse of you, and usually bahut try bhi kar rahe hote hain to make them, you know, comfortable as well, aap appearances bhi karte hain. So what is that particular and the weirdest remark that you often get? Kya asli mein bhi aise hi hain ye wali cheez, kyunki maine khud suni hai, so I wanted you to clear that out.
यार ये तो आप भी जानते होगे उधर, यू यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड यू एग्जैक्टली नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। आई कैन नॉट बी प्रिटेंशियस इवन फॉर 5 मिनट भी, मैं ऐसा कुछ बोलूंगा तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। हाँ मुझे सबके भी जाके मुझे वो एटीट्यूड रखना जो है ना मेरे लिए बोझ हो जाता है। मुझे लगता है कि आप कैमरे के सामने भी एक्टिंग कर रहे हो और कैमरे के पीछे भी एक्टिंग कर रहे हो, तो फिर आपकी जिंदगी अपनी कुछ सही नहीं है। तो जिस तरह का मैं हूँ मैं उसी तरह का भगवान enjoy being a very normal person, और मुझे मैं हूँ भी एक आम सा इंसान, कोई मीडिया में देखो काम यार, करने एक वाला। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूवी करने के बाद जो आवाज थी उसके अंदर बेस ऐड हो गई थी या जो एक्सेंट था, जो फ्लुएंसी थी वो थ्रू आउट सेम थी? नहीं, बिल्कुल मेरी आवाज में बेस कहाँ है भाई। मैं तो बहुत सारे एक्टर्स को देखा जिनको जो बहुत बना के बोलते हैं और उनकी फिर ऐसे ऐसे उनकी आवाज ऐसी हो गई है, लेकिन मुझे मेरी आवाज में मेरा ख्याल ना पहले बेस थी ना अभी, और मुझे इतना इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मुझे सक्सेस के लगता है लिए कि बेस की यार जरूरत नहीं है आवाज के अंदर, यू बिल्कुल नीड दैट राइट? एक्टिंग इफेक्ट करती है आपकी, आपको अगर ये जहन में रहे ना कि आपने अपनी आवाज भी मेहनत करनी है, तो फिर आपकी एक्सप्रेशन और बाकी चीजें आपकी वो की पीछे रह जाती है, और आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो टू नो टू टू मेक दैट एक्सेंट, मेंटेन द साउंड क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही खुश हूँ जैसा भी हूँ, बस ठीक है। मैं कबूल कर ही लिया यार, बस नौकरी नहीं सकता भी है तो बस काफी है। मैं अब बनाऊंगा आवाज तो सबको पकड़ा जाऊंगा कि ये तो बना के। इमरान, खुदा और मोहब्बत, लव्ड बाय मेनी, फॉलोड बाय मिलियंस, एंड इट वाज अ ट्रेडमार्क एज वेल ड्रामा इंडस्ट्री के लिए। स्टोरी वाइज जो है, इस तरह की दूसरी कभी स्टोरी आपको और भी ऑफर हुई जिसकी वजह से आपने सोचा कि सिमिलर स्टोरी है, या यू यार वांटेड टू अभी टैकल एक अदर बहुत स्टोरी? अच्छी स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है एंड इट इज ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ स्टोरी व्हिच आई एम एक्चुअली रिलक्टेंट टू डू, बिकॉज़ एक चीज एक बार बन जाती है तो उसको बार बार आपको उसमें नहीं करना। ये खुदा मोहब्बत ने बहुत अच्छा एक बेंच मार्क सेट किया था। मैं खुद अपने करियर में जब पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं किया। इवन जब वो दोबारा भी बना तो वो उस तरह का नहीं बन सका जो पहले वाले का इम्पैक्ट था। अब वो तीसरी दफा भी बन रहा है, वो भी अल्लाह करे अच्छा जाए, मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज अब एक बार बन जाती है तो फिर उसके बाद फिर उससे हाथ हटा लेना चाहिए। सो आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद द न्यू जनरा नाउ एंड आई सीरियसली डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद द सेम काइंड ऑफ स्टोरी लाइन। नो इमरान, वी हैवंट सीन यू पोस्टिंग स्टोरीज कि आप नेटफ्लिक्स पे कोई सीजन देख रहे हो या कोई नया कोई लॉन्च हुआ हो यार जिसके मैं अंदर आप। बड़ा जाहिल इंसान हूँ, बहुत देखती हूँ, मुझे भी ज्यादा अभी तक जो है ना मैं पबजी वगैरह मुझे नहीं पता क्या है, और ऑनेस्टली मुझे नेटफ्लिक्स की सीजन का नहीं पता, उसको भी मैं ढूंढ रहा था पुरानी वाली फिल्म अमेजोन प्राइम पे और मैंने यूट्यूब पे भी वो वाली फिल्म देख रहा था जो मैंने बचपन में कभी देखी थी या फिर उससे भी पुरानी। तो मैं अभी तक मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा वक्त बल्कि वक्त काफी पीछे हूँ, अभी मुझे टाइम लगेगा। और अगर सही है मतलब एंजॉय करने की बात है, लेकिन मैं एंजॉय चीजों को कर रहा हूँ, मुझे अभी पीटीवी पे असल तन्हाइयां चल रहा है, और यकीन करें वो इतने मजे का सीरियल है, वो YouTube पे आपको कटा हुआ मिलेगा, टीवी पे चल रहा है वो अलिफ नून, मैं वो देख रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। शौक मचा आपके पुराने ड्रामे, अब मुझे पता है कि आपके जो बहुत सारे सब जो फॉलोअर्स हैं उनको पता भी नहीं होगा कि कौन लोग हैं, क्या ये आज के लोग हैं, लेकिन मुझे मैं एंजॉय वही करता हूँ, तो दिल की खुशी की बात है, और जिसमें आपको मिले वो आप वही करें। इमरान, करंट लॉट में से थ्री एक्टर्स दैट यू रियली लुक अप टू कि यार ये अच्छा काम कर रहे हैं, नए इस लॉट में जो है रिमार्केबल इनके काम में अभी फिलहाल? नई लॉट में यार मैंने अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा फॉलो किया नहीं है काम है लोगों का, इसलिए नहीं कि मुझे कोई उनसे कोई प्रॉब्लम है, मैं टीवी अपना भी ड्रामे अपने देख रहा हूँ, पिछले 4 5 5 6 7 साल हो गए मेरे हार्डली कोई ड्रामा देखा होगा, किसी भी फॉलो किया होगा, नहीं देखता हूँ, मुझे मेरा दिल ही नहीं चाहता टीवी देखने का। अपने ड्रामे भी मैं मजाक उड़ा रहा हूँ तो यार क्या है, बस कर रहा होता हूँ उसी के पैसे मिल रहे होते हैं, बट आई थिंक आदर अमीर अच्छा काम कर रहा है। बिलाल अब्बास आई थिंक इज अ वेरी गुड एक्टर, उसका मैंने थोड़ा सा देखा चीफ में उसका काम, इज अ वेरी मेनी गुड पीपल एक्टर। मेक रिजेंबल करते हैं आप सभी बिलाल अब्बास को, कि ही इज समव्हाट रिजेंबल्स, ही लुक्स लाइक इमरान अब्बास एज वेल। अच्छा मुझे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है और डेफिनेटली से बहुत छोटा है, और अक्सर अब्बास अब्बास की वजह से लोग याद नहीं, मेरा छोटा भाई है भाई मेरे की भाई नहीं है, बट इज अ वेरी गुड एक्टर। आई हैव सीन हिज वर्क, आई थिंक इज डूइंग अ मार्वेलस जॉब। इमरान, नहीं जो आपको एक रिग्रेट फील हुआ था, टेल अस अबाउट दिस पर्टिकुलर रिग्रेट, था भी है यू वर लाइक इट्स ओके व्हेन यू एक्चुअली रिजेक्टेड सम ऑफ द फेनोमिनल मूवीज ऑफ बॉलीवुड एज वेल? कोई बहुत ही जबरदस्त मूवीज आपने रिजेक्ट की और उसका रिग्रेट हुआ बाद में, यू वर लाइक कोई मसला नहीं उसको हिट होने दो? तो मुझे बहुत लगा था, मतलब काफी ऐसे तक मुझे वो मसला मेरे दिल में होता है कि भी यार काश मैं कर लेता,
लेकिन उस वक्त ऐसी मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट में था जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया, और बहुत बड़ी अच्छी बच्ची अच्छी बड़ी फिल्में थी, बच्ची बच्ची कर अच्छी बड़ी फिल्में थी। आशिकी 2 जिनमें थी, जिनमें रामलीला थी और एक तो और भी थी ना, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में थी। लेकिन अभी मुझे बड़ी हैरत होती है जब मैं सुन रहा होता हूँ कि हर एक्टर मुझे सुनने में मिलता है कि हमें भी वाली फिल्म ऑफर मिली थी, अच्छा हमें भी हुई थी, हमें ये वाली भी फिल्म मिली थी। मुझे हैरत होती है कि उस वक्त कहाँ थे भाई जब आपको ऑफर मिली थी। और इंडिया होता यह है कि जब कास्टिंग हो रही होती है तो कास्टिंग और सबको जाती है और उसके बाद फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, फाइनल एग्जैक्टली फिर होती है। तो आशिकी का तो ये था कि आशिकी सबसे पहले मुझे ऑफर हुई थी जब ये फिल्म बिल्कुल बननी शुरू हो रही थी। उस वक्त मेरी मोहित सूरी से और महेश भट्ट साहब से और विशेष मुकेश भट्ट साहब से मीटिंग्स भी हुई थी। फिर अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर पाया, उनको मैं कॉन्ट्रैक्ट में था, उनको मैं करना चाहता था, उतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस था टी सीरीज और टी सीरीज और विशेष फिल्म की। तो उन्होंने फिर अक्षय कुमार के साथ में फिल्म करना था जिसकी वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट बाउंस उनके साथ। फिर उन्होंने अक्षय से बात की, अक्षय ने मुझे कहा कि नहीं इमरान नहीं कर सकता इसलिए क्या वो मेरी फिल्म में लॉन्च हो रहा है। तो फिर विशेष ने मुझे रिपीटेडली कहा कि बेटा ये तुम्हारी फिल्म है, कर लो कर लो, हमने बहुत सोचा हुआ है, तुम ही करोगे। मैंने कहा सर आप उनसे बात कर लें, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा कि अच्छा जब हम ऑडिशन शुरू करते हैं, फिर उन्होंने ऑडिशन ऑनलाइन भी ऑडिशन शुरू किए थे, फिर ऑडिशन खत्म हुए, फिर उन्होंने दोबारा मेरे पास आए कि तुम्हें कोई समझ में नहीं आ रहा तो तुम ही करोगे। तो मुकेश भट्ट और महेश भट्ट साहब से मेरी बहुत ही प्यारी एक मोहब्बत का रिश्ता है, एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर यू नो ऑफरिंग दिस अमेजिंग मार्वेलस फिल्म, बट आई वाज सो अनफॉर्चुनेट सो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड दैट पॉइंट टाइम कि मैं नहीं कर सक रहा इमरान, यू हैव डन अ कैमियो, था। मैं इसको कंटिन्यू भी करूंगा, यू हैव डन अ कैमियो इन ऐ दिल है मुश्किल एज वेल, एंड यू हैव बीन वर्किंग विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, एज इन आपकी मुलाकात भी है काफी डायरेक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मेक करण जौहर डिफरेंट फ्रॉम दीस डायरेक्टर्स, जो बाकी डायरेक्टर्स से अलग है? इज ही वेरी फैंसी इन रियल लाइफ एज वेल? थोड़ा सा ये बताएं. करण जौहर बहुत ही कमाल के इंसान है, और उनके साथ जब काम मैंने किया तो मुझे अंदाजा ही नहीं होता था कि मैं किसी डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं किसी दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ, और वो कब डायरेक्शन दे रहे हैं और कब वो समझा रहे हैं, तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। वो इतना फ्रेंडली सेट के ऊपर करण के साथ एक तो बहुत ही अच्छे, मतलब मेरे जिंदगी की खूबसूरत एक्सपीरियंसेस में एक ये है कि मैंने करण जौहर जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया, और वो भी काफी अर्से बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद करण जौहर ने खुद डायरेक्ट की थी अ दिल है मुश्किल। वो सिर्फ धर्मा की फिल्म नहीं थी बल्कि करण जौहर की डायरेक्शन की फिल्म थी। सो दैट वाज अनदर बिग थिंग या टू इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट इमरान बताओ कि व्हाट इज दैट डिफरेंस, क्योंकि आजकल जो है धर्मा के धर्मा प्रोडक्शन के अंदर काफी मूवीज बन रही है बट दे आर नॉट एक्चुअली डायरेक्टेड बाय करण जौहर एज वेल, इज इट सो? हाँ, मुझे मुझे मालूम नहीं कि उसके बाद करण जौहर ने कौन सी डायरेक्ट की है, लेकिन उनके लेकिन बैनर के अंडर हाँ होती है वो मूवीज, उनके नेटफ्लिक्स बैनर के के अंदर अंडर होती है। होती है. धर्मा एक प्रोडक्शन हाउस था बड़ा है, और इंडिया में कुछ लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनके साथ काम करने को कोई भी अपना एक एजाज नहीं देता। यशराज है, धर्मा है, सारी प्रोडक्शन है, एंड टी सीरीज ऑफ कोर्स, एंड जो टी सीरीज की मैंने फिल्म भी की थी है, वो भी एक अच्छा बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो मुझे ये था, फिर एक और फिल्म बीच में जो लोगों ने इतना ज्यादा उसको, क्योंकि वो पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई, बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए रिलीज हुई, उसका नाम था जानिसार, जी, एंड यू जो वर कि मेरे इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन. फेवरेट डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी, जिनका नाम था मुजफ्फर अली, और मुजफ्फर साहब वो डायरेक्टर है जिन्होंने बनाई थी रेखा के साथ, तो वो इन आंखों की मस्ती के मसाले हजार हैं। ओह वाह, तो वो इतना बड़ा डायरेक्टर 20 साल बाद अपना कमबैक कर रहा था, आई वाज लाइक, और मैं बीइंग एन आर्टिस्ट उनका इतना बड़ा फैन था, उनकी म्यूजिक सेंस, उनका उनकी आर्ट डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन, उनका स्टोरी का सेंस, स्क्रिप्ट, एंड तो वे ही शॉर्टेस्ट फिल्म वो लखनऊ में शूट हुई थी सारी की सारी, लखनऊ और दिल्ली में, तो लखनऊ के आदाब आदाम, पूरा का पूरा कल्चर। तो एक साल जितना मैं दरअसल मैं बाहर था लखनऊ में, तो वो एक और ही एक्सपीरियंस था, वो इतना खूबसूरत एक वक्त था जो मैं कभी जिंदगी में अपने भुला नहीं सकूंगा। वो भी एक बिल्कुल और तरह का एक्सपीरियंस था, बड़ा दुनिया से हटके, बड़ा यू नो वेरी That's आर्ट्स। incredible. इमरान, आपने सबसे बताया अपने फेवरेट को स्टार के बारे में, नहीं बताया आई वॉज वर्किंग विद बिपाशा बासु. यू वर विपाशा टेलिंग मी कि आपकी से बहुत फेवरेट, आपकी बहुत यार, पसंदीदा को स्टार थी एंड यू एक्चुअली लाइक वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट एज वेल. विपाशा के साथ ऑब्वियसली मेरी पहली मुलाकात सेट पे ही हुई थी। हम जब ऊटी शूट करने जा रहे थे ये सर साउथ इंडिया में, तो हमारी फ्लाइट में पहली बार मुलाकात हुई थी, इससे पहले सिर्फ स्काइप पे मिले थे। तो विपाशा से मैं पहली दफा मिला तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी इसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, और हम लोग
इतना हम सेट पे फन करते थे कि हमने वो जंगल में तकरीबन 90 या 100 दिन साथ गुजारने थे, तो ऐसा इनेविटेबली हमने दोस्त बनना ही था। और मुबाशिर भी सेंस ऑफ ह्यूमर जो बहुत लोगों को पता है तो कमाल का है। और मुझे बहुत बात बात होती थी कि वर्कआउट और एक्सरसाइज, मुझे भी डीवीडी देती थी कि ये मेरी नई डीवीडी है, ये उसको देखो और उसको वर्कआउट करो। था कि जब मैं तेरा हीरो की शूटिंग हो रही थी वरुण धवन की, और मैं विभाषम साथ ही थे, तो एक ही जगह पे हमारी शूट ऊटी के तो हम अंदर और एक होटल में ठहरे हुए थे, तो सारे सारे तो सुबह वरुण और विभाषम भी शूट कर रहे थे, सुबह वर्कआउट के लिए आए थे, तो मैं उस वक्त जाता था, मैं कहता था इतना ही स्ट्रेस वर्कआउट करती है कि मैं जब चली जाएगी तो मैं जिम वाले से पूछा था कि अच्छा विभाषा मैम चली गई फिर मैं आऊंगा, ताकि उसके साथ अमेजिंग स्टेमिना और इतना उसका वर्कआउट करने का तरीका जो है ना, इतना सख्त होता है कि बहुत कम लोग उसके साथ कर पाते। थोड़ा सा एंड की तरफ आएंगे इमरान, तीन चीजें जो आप डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे अपने फॉलोअर्स को क्वारंटीन के अंदर कर सकें, जो आप इंटरनेट पे बता सकें, क्या चीजें ऐसी 3 से 4 चीजें कर सकते हैं ड्यूरिंग क्वारंटीन? यार सबसे पहले तो ये कि आपको आइसोलेट करें, इसलिए कि आपकी सेहत से ज्यादा आपके प्यार करने वाले, आपके जो लव्ड वंस हैं जिससे आप प्यार करते हैं, उनकी सेहत का सवाल है। तो आप ये ना कहें कि कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता, आपको कुछ ना हो, लेकिन दूसरे की इम्यूनिटी कम है तो वो उसके लिए खतरनाक हो जाए, स्पेशली योर पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है, या आपके जो छोटे बच्चे हैं इनकी इम्यूनिटी कम है। वन दूसरी चीज ये है कि अपने आपको साफ सुथरा रखना तो हमारी टीम का हिस्सा है, हाइजीन लेकिन का अब तो ये आपके लिए जरूरी हो गया है कि आप जब भी घर से घर में दाखबर तो घर से ना निकले, और भारत में थोड़ी निकलना ही है, तो प्लीज अपने आप को सैनिटाइज डिसइंफेक्ट क्लीन जरूर रखें, जरूर रखें, और ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको कोई आप ये ना समझें कि मतलब ये कोई आम सी बात है या चलो ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ ऐसा नहीं है, अल्लाह करे खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा इंशाल्लाह नहीं है कि ये छोटी मोटी बात है, आपको बहुत एहतियात करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज बहुत खतरनाक लेवल तक जा सकती है। तो जो भी आपके जो गवर्नमेंट आपको बता रही है, और अगर आप कुछ अरसे के लिए देखिए, हम सारी जिंदगी सोचते थे कि वीकेंड लंबा हो जाए, थोड़ा सा इतना कुछ है आपके पास करने के लिए घर में, प्लीज उसको एक्सप्लोर करें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप तो अपने पुराने में रुके हुए काम, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आप रुक के जिंदगी में सोचने का वक्त तो मिला आपको, आप आस पास के आप कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए, आगे क्या करना है भी नहीं करना, क्या खोया क्या पाया, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारे हैं, ये बड़ी कीमती लम्हात होते हैं, बाद में जब खत्म हो जाएगा ना इंशाल्लाह तो आपको याद आएगा कि आपने कितना खूबसूरत वक्त गवा दिया। डेफिनेटली इमरान, जब ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई थी मैं बता रहा था लोगों को कि इफ यू वर नॉट एन एक्टर तो आप सिंगर जरूर होते, एंड यू यू वुड हैव मेड एन अमेजिंग करियर आउट ऑफ दैट एज वेल। तो एंडिंग नोट कुछ क्वारंटीन के हवाले से, कोई एक चीज फ्रॉम दैट वर्ल्ड जो आपके पास इतना बड़ा वर्ल्ड है, मेनी पीपल माइट नॉट नो कि आपको लिरिक्स जो है आप देख के नहीं पढ़ते, आपको याद होते हैं लिरिक्स, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है आपके अंदर। सो एक कुछ अगर सुना सके एट द एंड, और ये यार ऑनेस्टली कितनी मैं जीबी के हार्ड ड्राइव में आपकी ये बिल्कुल मिला? बिल्कुल नहीं रहा, नो आईडिया सीरियसली, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, अभी मुझे बिल्कुल कुछ ध्यान में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्वालिटी के हवाले से क्या बोलूं, अच्छा इस इमरान तरह से बताएं, कुछ कौन सी ऐसी हार्ड ड्राइव है आपके पास जो स्टोरेज आप इतने सारे गानों की रखते हैं अपने विदाउट सीइंग द लिरिक्स? अब उसकी वो फुल हो चुकी है, उसमें और कुछ नहीं आता, सिर्फ उसमें गाने और शायरी भरी हुई, उसके कोई काम की चीजें होती है वो मैं भूल जाता हूँ, उसकी भी एक अपनी स्टोरेज स्पेस थी ना, उसमें मैंने सारे गाने म्यूजिक भी भर लिया और शायरी भरी। तो अब अक्सर घर वाले कहते हैं कि भाई जो थोड़ी काम थे करने थे, मैं लोगों की शक्लें नाम सब कुछ भूल जाता हूँ, इसलिए कि वो ऑलरेडी मेरी इस आर्ट से फुल हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच इमरान फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज लवली हैविंग यू एंड वुड लव टू हैव यू आफ्टर क्वारंटाइन एज वेल। चलिए आप यूएस जरूर चक्कर लगाएं और हम इस्लामाबाद जरूर आएंगे आपके पास इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इमरान, होप टू सी यू, टेक केयर। ओके।